हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। और आज हम स्टार्ट करने वाले अपने लाइट के लेक्चर 6 से। तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको रिफ्रैक्शन पढ़ाया था, ग्लास स्लैब के अंदर रिफ्रैक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे होता है, कैसे हमारी लाइट बेंड करती है। आज हम ये देखेंगे कि लाइट बेंड क्यों करती है, क्या ऐसा हुआ कि दूसरे मीडियम में आके लाइट ने बेंड करने की सोच लिया, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रिफ्रैक्शन का, लेंसेज वाला। जैसे मिरर का होता था वैसे लेंस के डायग्राम्स होंगे, जैसे मिरर फॉर्मूला था तो लेंस फॉर्मूला होगा, सब पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो एक्चुअली में जब हमने कल देखा था कि लाइट जब हमारी एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो वो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड कर जाती है। उसको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल से समझाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। अब मान लो कि राहुल और उसके कुछ क्लासमेट्स घूमने आए हुए थे एक बीच के ऊपर, वहां पर नेहा भी थी। अब नेहा ने क्या करा, जोश जोश में जल्दी से पानी के अंदर छलांग मार दी और उसको तैरना आता नहीं था। अब वो यहां पर डूब रही है। अब यहां पर इसके तीनों दोस्त खड़े हैं और नेहा ने कंडीशन रख दी कि जो मेरे को सबसे पहले बचाएगा मैं उससे दोस्ती करूंगी। तो अब यहाँ पर इन तीनों ने दिमाग लगाया कि कौन नेहा को सबसे पहले बचाएगा। मान लेते हैं कि तीनों सेम स्पीड से भागते हैं, और तीनों किस स्पीड से भागते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से। यहाँ पर अभी हम लाइट समझ रहे हैं ना, तो मान लेते हैं कि तीनों की स्पीड तो सेम है, बट अब ये कैसे जाएं। तो पहले फ्रेंड ने सोचा कि मैं जल्दी से यहाँ पानी के अंदर छलांग मारता हूँ और जाके से नेहा को बचा लूँगा, ठीक है, ये इसका पहला आइडिया था। दूसरे फ्रेंड ने क्या सोचा कि भाई मैंने तो 9th के अंदर पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो मैं एकदम स्ट्रेट लाइन वाला रास्ता फॉलो करूँगा और पहुँच जाऊँगा नेहा तक। राहुल ने हमारे लेक्चर्स पढ़ रखे थे, उसने क्या सीखा कि पानी के अंदर जो है वो ये धीरे भागेंगे, मतलब तैरेंगे, और ज़मीन के ऊपर ये फास्ट भागेंगे। तो क्यों ना अपना मैक्सिमम डिस्टेंस में अपना ज़मीन के ऊपर कवर कर लूँ और पानी के अंदर अपना कम से कम डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करूँ। समझ पा रहे हो कि अगर ये यहाँ से जा रहा है तो इसने ज़मीन पर तो बहुत कम ट्रैवल करा जहाँ इसकी सबसे ज़्यादा स्पीड थी, और जहाँ ये स्लो था वहाँ इसने इतना लंबा ट्रैवल करा। इसने क्या करा कि थोड़ा सा इसने ज़मीन पर करा, थोड़ा सा पानी पर करा। बट राहुल ने लेक्चर देखे थे तो उसने कहा अपना मैक्सिमम डिस्टेंस जमीन पे ट्रैवल करा और मिनिमम डिस्टेंस अपना पानी में ट्रैवल करा, क्योंकि पानी में वो स्लो है तो जहाँ स्लो है तो वहाँ कम से कम टाइम बिताए तो जल्दी पहुँचेगा। तो अभी जल्दी पहुँचने का मतलब क्या है, कॉलेज के अंदर आप पढ़ोगे एक फर्मेंट्स प्रिंसिपल होता है लाइट का, जाके इसकी रिसर्च कर लेना अगर इंटरेस्टेड हो। वो क्या कहते हैं कि लाइट जो है ना वो हमेशा सबसे फास्ट वाला पाथ पकड़ती है, ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना जाके, लेकिन लाइट हमारा सबसे फास्ट वाला पाथ पकड़ती है। तो यहाँ पर सबसे फास्ट वाला पाथ देखा जाए तो कौन सा है, जहाँ लाइट की स्पीड ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताए, जहाँ लाइट की स्पीड कम है वहाँ कम से कम टाइम बिताए। तो जहाँ स्पीड कम है वहाँ कम से कम टाइम बिताने के लिए लाइट जो है वो बेंड कर जाती है, ठीक है। मान लेते हैं जैसे कि हमारा जो ग्लास स्लैब वाला एग्जाम्पल था, इसके अंदर लाइट स्लो है तो इसके अंदर ताकि वो कम टाइम बिताए, यहाँ पर देखो उसको ज़्यादा बिताना पड़ता, कितना इतना एक्स्ट्रा बिताना पड़ता, यहाँ पर सिर्फ इतना फालतू बिताना पड़ता ना, तो इतना फालतू उसने कट ऑफ कर दिया बेंड होके, क्योंकि वो फास्टेस्ट रास्ता चाहिए उसको। और फास्टेस्ट रास्ता कैसे मिलेगा कि जहाँ वो स्लो है वहाँ पर वो बेंड हो जाए, वहाँ कम से कम टाइम बिताए, तो इसलिए हमारी लाइट वहाँ पर आके बेंड कर जाती है। फॉर्मेट्स रूल के बारे में पढ़ना अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो। अब यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट नहीं होता कि भाई मान लो ये एकदम ऐसे स्ट्रेट जाए और फिर परपेंडिकुलर ऐसे जाए, इतना नहीं होता हमारा, क्योंकि हमें ये वाला डिस्टेंस भी उसमें रखना है कि भाई ऐसा ना हो कि हम एकदम ही दूर जाएँ और ये डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाए, हमारे उस वाले डिस्टेंस को शॉर्ट करने के चक्कर में टोटल डिस्टेंस इतना बड़ा हो जाए कि हम स्लो हो जाएँ। तो ऐसे बीच में कहीं एक वैल्यू होगी कि जहाँ पर डिस्टेंस भी कम होगा और पानी के अंदर हम कम से कम जा रहे होंगे तो हमारा कम से कम टाइम लग रहा होगा, और वो डिस्टेंस हमारा लाइट अपने आप चूज़ करती है। तो इससे आपको समझ आया होगा लाइट हमारी क्यों बेंड करती है। इसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं अपने लेंसेज से। जैसे हमारे मिरर होते थे रिफ्लेक्शन के लिए, हमारे लेंस होते हैं रिफ्रैक्शन के लिए। रिफ्रैक्शन मतलब कि वही हमारा बेंडिंग वाला पार्ट। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख लो लेंस की, क्या होती है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस, यानी कि एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसके आर पर लाइट जा सकती है, ट्रांसपेरेंट जो एक स्फेरिकल सरफेस से कम से कम एक स्फेरिकल सरफेस से बंद हो। तो जैसे कि हमारा मान लो ग्लास हमारा बेस्ट ट्रांसपेरेंट मटेरियल, हमने पढ़ा है पानी भी होता है, तो अगर पानी को ऐसे किसी स्फेरिकल चीज़ के अंदर बंद कर दो तो वो हमारा एक लेंस बन जाएगा। बट यहाँ पर ग्लास को ऐसे बंद करने की जरूरत नहीं है, ग्लास को बस काटने की जरूरत है, स्फेरिकल शेप में काट दो बस, उसका एक फेस जो है वो स्फेरिकल होना चाहिए कम से कम। तो उसी बेसिस पे हमारे चार टाइप के लेंस होते हैं। जो हमारा सबसे बेसिक होता है वो हमारा कन्वेक्स लेंस, जिसके अंदर हमारा एक इस शेप का लेंस होगा। इसके अंदर क्या होगा कि अंदर कुछ ट्रांसपेरेंट मीडियम है, अभी हमारा ग्लास भी हो सकता है, हमारा वाटर भी हो सकता है, मोस्ट केसेस में ग्लास ही होगा क्योंकि वाटर में ये फिजिबल नहीं है कि भाई पानी भरो किसी चीज़ के अंदर, उसको ऐसी शेप में बंद करो, ग्लास को सिर्फ काटना है। तो ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ये हमारा कन्वेक्स लेंस होता है। कन्वेक्स सुना सुना सा लग रहा है, मिरर में पड़ा था, जहाँ लाइट केव के अंदर जाती है वो मेरा कनकेव मिरर होता है, जहाँ लाइट उभरी हुई साइड आती है वो मेरा कन्वेक्स मिरर होता है। सिमिलरली जब लाइट केव के अंदर जाती है तो वो मेरा कनकेव लेंस होता है, और जब मेरी लाइट उभरी हुई साइड पर जाके गिरती है तो वो मेरा कन्वेक्स लेंस होता है। सेम लॉजिक। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला था कि एटलीस्ट वन स्फेरिकल सर्फेस, जरूरी नहीं है कि दोनों ही स्फेरिकल हो, कोई एक भी स्फेरिकल होगा तो भी चलेगा। तो अगर ये वाला साइड स्फेरिकल है या ये वाला साइड ऐसे स्फेरिकल है तो भी चलेगा हमारा। तो इनके भी नाम होते हैं प्लेनो कन्वेक्स और प्लेनो कनकेव, यानी एक प्लेन है एक कन्वेक्स है या एक प्लेन है एक कनकेव है। हमें टेंथ के अंदर बस इन दोनों के बारे में ज्यादा पढ़ना है, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस हमारे कैसे वर्क करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऐसे। अब हमें याद है हमारा मिरर पे कैसे बिहेव करती थी लाइट, अब ये देखते हैं लेंस पे हमारा कैसे बिहेव करती है। अब यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए पहले एक प्रीरिक्विजिट दे दूँ कि जैसा कनकेव मिरर में होता था
यहाँ कन्वेक्स लेंस में हो जाएगा, जैसा कन्वेक्स मिरर में होता था कनकेव लेंस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उल्टा होगा, कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस बराबर से होंगे और कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस से बराबर से होंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा से सिमिलरिटी देख पाओगे आप। तो जैसे कनकेव मिरर के अंदर सारी आती हुई लाइट रिफ्लेक्ट होकर कन्वर्ज हो जाती थी एक पॉइंट पे, फोकस पे, सिमिलरली कन्वेक्स लेंस के अंदर सारी आती हुई लाइट कन्वर्ज हो जाती है एक पॉइंट के ऊपर, उसको हम बोलते हैं फोकस। बट यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है, लाइट ऐसे बेंड कर जाती है एक पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर ये सारी की सारी लाइट्स एक ही पॉइंट पर जाकर ऐसे करके मिल जाएंगी, और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली हमारा फोकस। अब ये चीज़ तो पता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे होगा कि भाई ये इसका एक सर्कल अलग होगा, इसका एक सर्कल अलग होगा। अब यहाँ पर दो सर्कल है तो यहाँ पर चीज़ें भी दो दो बनेंगी, कि पहला तो मेरा एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, एक फोकस इधर होगा, एक फोकस इधर होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। लाइट इधर से फेंकूँ तो भी कन्वर्ट करेगी, इधर से फेंकूँ तो भी कन्वर्ट कर देगी, वो सेम सेम सही सीन है। तो यहाँ पर मैं सी और एफ की जगह थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ें यूज़ करता हूँ। पहला तो मेरे दो फोकस है तो एक को मैं नाम दे देता हूँ F1, दूसरे को नाम देता हूँ F2, ठीक है। तो मेरा क्लियर होगा कि लेफ्ट वाला फोकस राइट वाला फोकस, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहाँ पर मैं C1 C2 की जगह बुलाता हूँ 2F1 और 2F2, मतलब कि F का डबल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2F1 2F2। अब यहाँ पर NCERT में ऐसा करा हुआ है तो ये हम करते हैं जनरली। अब C1 C2 भी लिखोगे तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मेरे को टर्मिनोलॉजी तो समझ आ गई। अब जैसे हमारा मिरर के अंदर पोल होता था, हमारे लेंस के अंदर होता है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। तो ये मेरा होता है ऑप्टिकल सेंटर, जैसा वहाँ पर हमारा पोल होता था यहाँ पर हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है। अब यहाँ पर ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि कन्वेक्स लेंस के अंदर हमारी इमेज कैसी बनेगी। तो कन्वेक्स लेंस में यहाँ पर मान लो एक बनाता हूँ। अब फिर से हमने नेहा को बहुत दूर खड़ा कर दिया। अब मैंने बता दिया था तो आपको सिंपली क्लियर हो गया होगा कि क्या होने वाला है। इन्फाइनाइट से रे हमारी पैरेलल आती थी, तो ये एक रे ऐसी आई, एक और रे हमारी मान लो ऐसे आई। अब इसके अंदर हमें कोई पेंट करने की जरूरत नहीं, जैसे हम उसमें करते थे। यहाँ पर बस ये हमारा ओ होगा, ये हमारा F1 होगा, ये हमारा 2F1 होगा, इधर हमारा ये F2 होगा और ये हमारा 2F2 होगा। अब जब इसको बनाओगे तो क्या ध्यान रखना कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, और हमारा ये वाला डिस्टेंस इसका डबल होना चाहिए, और सिमिलरली ये इसका डबल होना चाहिए, मतलब वो इक्वल रहेंगे सारे। तो ये हमारी क्या होगी, कन्वर्ज कर जाएगी हमारे फोकस पे। तो ये कुछ इस तरीके से निकल जाएंगी और हमारी इमेज यहाँ पर बन जाएगी। तो सेम जो वहाँ था, अब यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जल्दी जल्दी से इसको करते हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हमारी इमेज कैसे बनेगी। सबसे पहले तो हमारा लेंस बना लो। तो यहाँ पर हमारा पहला केस है इन्फिनिटी वाला, तो कन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा सा दिखता है। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। दूर से जब रे आती है तो वो पैरेलल आती है, तो पैरेलल रेज आएंगी, टकरा कर कहाँ जाएंगी, फोकस की तरफ। फोकस पे निकल गई, इसको मान लेते हैं F2, तो इसके डबल डिस्टेंस पे होगा 2F2। सिमिलरली इधर ये F1, तो डबल डिस्टेंस पे होगा 2F1। तो यहाँ पर हमारी क्या ऑब्जर्वेशन है, जब ऑब्जेक्ट, इसको लिख लो जल्दी से, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ बन रही है, एट फोकस, इमेज बन रही है एट फोकस। नेचर ऑफ द इमेज कैसा है, नेचर है भाई हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी हो गई है पॉइंट साइज। अब यहाँ पर देखो, हाईली डिमिनिश्ड हमारी कनकेव मिरर में भी थी, हाईली डिमिनिश्ड पैरेलल से जब इन्फिनाइट से आ रही थी तो फोकस पे डिमिनिश बन रही थी। सिमिलरली यहाँ हो रहा है, जब पैरेलल आ रही है तो फोकस पे डिमिनिश बन रही है। हाईली डिमिनिश्ड कैसी बन रही है, रियल बन रही है, क्योंकि रियलिटी में रेस टकरा गई। अब इन्वर्टेड यहाँ बता नहीं सकते, लेकिन इन्वर्टेड होगी, तो यहाँ पर ये हमारी रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे उठा के ले आते हैं, सेम जैसा वहाँ होता वैसा ही होने वाला है यहाँ पे। तो बस इसके अंदर क्या करना है, वही बनाओ। ये हमारा बन गया मिरर, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, F2 2F2 F1 2F1। यहाँ पर रखा है ऑब्जेक्ट को, पहली रे निकलेगी पैरेलल, पैरेलल वाली जाएगी फोकस से, दूसरी वाली जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, और वो एज इट इज़ निकल जाएगी। अब कुछ कुछ याद आ रहा है कि भाई पोल से जाती थी वो एज इट इज़ निकल जाती थी, इसमें ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो सीधी निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी इमेज कुछ इधर बनेगी, हमारा F2 और 2F2 के बीच में। तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिहाइंड 2F1, बिहाइंड 2F1। इमेज कहाँ है, बिटवीन F2 एंड 2F2, F2 और 2F2 के बीच में बन रही है इमेज। नेचर ऑफ द इमेज कैसी बन रही है, रियल इन्वर्टेड तो है ही, रियल एंड इन्वर्टेड, और थोड़ी सी छोटी हो गई है, डिमिनिश्ड, थोड़ी सी छोटी हो गई है। नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे ले आते हैं, एट सी आ गया। अब सिमिलरली अब बनाओ तो जल्दी जल्दी आ गया होगा, साथ साथ बनाते जाओ। तो सबसे पहले लेंस बनाओ, लेंस बनाया हमने इधर ऑप्टिकल सेंटर, इधर बनाओ F1, इधर बनाओ F2 F1, इधर बनाओ F2 2F2, जल्दी जल्दी करते जाओ। तो पहली गई पैरेलल, पैरेलल गई तो पैरेलल कहाँ से निकलती है भाई, पैरेलल निकल जाती है हमारी फोकस पॉइंट से। दूसरी मान लेते हैं हमारी ऑप्टिकल सेंटर से गई, और ये जाएगी हमारी इधर कुछ, और अगर हमारी जाती है फोकस से, जैसे हमारी कन्वेक्स मिरर में जाती थी, तो वो हमारी निकल जाती है पैरेलल, और ये सारी लगभग एक पॉइंट पे मिलेंगी और हमारी इमेज वहीं बन जाएगी, जो जो वहीं था वही है। सी पे रखते तो सी पे बनती थी, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बस राइट साइड में बन जा रही है। तो यहाँ पर नेचर ज़रा लिखो, नेचर क्या है हमारा, तो ऑब्जेक्ट रखा है एट 2F1, इमेज बन रही है
एट टू एफ टू नेचर कैसा है, सेम साइज और रियल इन्वर्टेड, सेम साइज है, रियल एंड इन्वर्टेड है बस। ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे ले आते हैं, अब दोबारा से सेम चीज़ करनी है, यहाँ बना दो जल्दी से। ये हमारा O हो गया, ये हमारा F2 हो गया, ये 2F2 हो गया, ये F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, बिटवीन C एंड F, यानी यहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, पैरेलल वाली फोकस से, ऑप्टिकल सेंटर वाली ऑप्टिकल सेंटर से, तो फोकस वाली कुछ पैरेलल जाएगी इधर से, लगभग यहीं मिलनी चाहिए। तो अभी ये रफ है तो ये कुछ इधर मिलेगी और हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ। तो अगर आपको कनकेव मिरर का याद है तो इसका आप अपने आप भी बना के लिख सकते हो अगर भूल जाओ तो। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, बिटवीन 2F1 एंड F1, इमेज कहाँ बनी, बिहाइंड 2F2, नेचर कैसी बनी, बड़ी बनी एंड लास्ट, और कैसी बनी, रियर एंड इन्वर्टेड, ओके। अब और आगे ले आते हैं भाई, फोकस पे ले आते हैं। तो अब मैंने क्या करा, इसको बना देते हैं यहाँ पर, सेम दोबारा से बनाऊँ ऑप्टिकल सेंटर, अब तो याद ही हो गया होगा, सिमिलर ऐसे आ रहा। ऑब्जेक्ट को रखा हमने फोकस पे, रह गई इधर, पैरेलल वाली निकली फोकस से, ऑप्टिकल सेंटर वाली निकलेगी फोकस से, और इधर फोकस से तो जा नहीं सकती, तो ये दो ही रेस जाएंगी और ये पैरेलल निकल जाएंगी, वही हो रहा है, वहाँ फोकस पे रखा तो पैरेलल तो इन्फाइनाइट पे इमेज बन रही थी, सेम यहाँ इन्फाइनाइट पे इमेज बन जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट F1, इमेज कहाँ है, एट इन्फिनिटी, नेचर ऑफ द इमेज कैसा है, रियर इन्वर्टेड है तो, और हमारा हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी इमेज बनेगी ये वाली। F से भी आगे ले आते हैं, जो हमारा उसके अंदर एक्सेप्शन वाला केस होता था, बना दिया भाई, ये O हो गया, F2, 2F2 साथ साथ बनाते जाओ, F1, 2F1। अब ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रख दिया, अब क्या होगा, पैरेलल वाली जाएगी फोकस से, ऑप्टिकल सेंटर वाली जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, अब ये डाइवर्जेंट रेज है पहले की तरह, पहले की तरह डाइवर्जेंट आई, तो ये जो है ये पीछे मीट करेंगी, ये लगभग ऐसे जाकर पीछे मीट कर जाएंगी, मान लेते हैं यहाँ पर, और हमारा इमेज जो है वो कुछ यहाँ बन जाएगा। अब जो ये किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं बनेगा, आप सोच रहे हो कि यहाँ बन रहा है, अगर मैं इसको आगे खिसका दूंगा तो ये कहीं और चला जाएगा, पीछे खिसका दूंगा तो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर हमें इसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता होती, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट है बिटवीन F1 एंड O, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, इमेज कहाँ बन रही है, अब यहाँ क्या लिखते हैं, बिहाइंड द मिरर होता था, यहाँ क्या होगा, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, नेचर कैसा है इमेज का, नेचर ऑफ द इमेज क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि रियलिटी में मीट नहीं करी रेस, और इरेक्ट सीधी बन रही है, और एनलार्ज्ड और बड़ी बन रही है, तो इसका ओनली यूज समझ आ रहा है, यहाँ पे अगेन लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास, चीज़ बड़ी होकर दिख रही है, वर्चुअल इमेज दिखेगी, ठीक है, वही है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, इमेज फॉर्मेशन कन्वेक्स लेंस के सारे हमने केसेस देख लिए, इसकी टेबल देख लेते हैं, वैसी बनेगी कनकेव मिरर जैसी। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, अब इसको मान लेते हैं ये हमारा मिरर है, ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे, तो इमेज बन रही है फोकस पे, इसको आगे ले आए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले, तो इमेज जो है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ गई, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले आए तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चली गई, ठीक है। यहाँ पर देखते जाओ, जब पीछे था तो इन दोनों के बीच में बनी, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे ले आए फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पीछे चली गई, जहाँ यहाँ पर देखो, जब मैंने इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखा था तो दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पीछे चली गई थी। अब मैं इसको फोकस पे ले आया, इन्फिनिटी पे चली गई, फोकस से भी आगे ले आया, पीछे आ गई वर्चुअल, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे केसेस आपने जो अभी पढ़े हैं वो सारे लिखे हुए हैं, सबके नेचर लिखे हुए हैं, सारी रियल इन्वर्टेड बन रही हैं, लास्ट वाले केस में वर्चुअल इन्वर्टेड बन रही है, सेम कनकेव मिरर की तरह। यहाँ पर वही साइजेस वही हैं, जब फोकस पे तो बहुत छोटी, इन्फिनिटी पे तो बहुत बड़ी, और सारे केस में बड़ी छोटी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले केस में हमारी बराबर साइज इमेज आती है। तो कन्वेक्स लेंस के बाद अगला आ जाता है हमारा कनकेव लेंस, अब ये किसकी तरह होगा, जैसे हमारा कन्वेक्स मिरर होता था दो ही केसेस होते थे, वैसे ही हमारे कनकेव लेंस के अंदर भी हमारे दो ही केसेस होते हैं। तो इसके अंदर जो हमारी रेज होती है वो डाइवर्जेंट होती हैं, ऐसे आती हैं और ऐसे दूर की तरफ निकल जाती हैं, अब ये मीट तो करती नहीं है, तो जब इनको हम पीछे एक्सटेंड करते हैं तो ये हमारी फोकस पे ही आती हैं। तो इसमें वैसे ये जैसे हमारा कन्वेक्स मिरर के अंदर होता है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसके केसेस को। तो अगेन इसमें भी वही होगा, हमारे दो सर्कल बनेंगे, इधर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा जिसको हम F2 F2 बुला लेंगे, इधर हमारा F होगा, सिमिलरली हमारा इधर एक F होगा, इधर एक हमारा C होगा, तो इसको हम बुला लेंगे F1, इसको बुला लेंगे F2, इसको बुला लेंगे 2F1 और इसको बुला लेंगे 2F2। तो
तो जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है तो अब इधर इसको ऐसे बनाते हैं, ये हमारा मिरर कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। पैरेलल से आती हैं रे, इन्फिनिटी से आती हुई रे पैरेलल होती है, तो पैरेलल आई ऐसे करके डाइवर्ज करेंगी बाहर की तरफ, लेकिन जब इनको हम अपीयर कराएंगे ऐसे करके तो ये हमारी फोकस पे मीट कर रही होंगी, तो ये हमारी कहीं फोकस पे मीट कर रही होंगी। तो यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे, इसको ज़रा से दोबारा से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले अपना यहाँ पर ऐसे मिरर बना लो, तो ये मेरा बनेगा मिरर कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा होगा ऑप्टिकल सेंटर, ये होगा हमारा F2, ये होगा हमारा 2F2, ये होगा हमारा F1 और ये होगा हमारा 2F1। तो इमेज आती है पैरेलल, रे आती है पैरेलल, ये पहले ही इधर मान लो कि ऐसे जाएगी, ठीक है, पहले ही मान लेते हैं ऐसे जाएगी, और फिर इसको दूसरी साइड एक्सटेंड कर दो। तो ये हमारा हो गया जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हमारा कनकेव मिरर लेंस के अंदर कैसा बनेगा। इन्फिनिटी के बाद हमारा दूसरा केस कौन सा था, नॉट इन्फिनिटी वाला, जिसमें इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ गई इमेज। तो सेम दोबारा से मिरर बनाओ, तो ये मैंने बना दिया मिरर, ठीक है, ये हो गया मेरा ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ से मेरी रे आई, मान लो ये है मेरा F1, ये है मेरा 2F1, ये है मेरा F2, ये है मेरा 2F2। तो इसको कहीं भी रख लो, बात वही पढ़नी है। तो अगर मैं इधर की मिटा ही देता हूँ फिर, तो यहाँ पर इसको रख देते हैं। अब क्या होगा कि मेरी पैरेलल वाली रे जाएगी कुछ ऐसे करके, और ये जानी चाहिए इधर फोकस की तरफ, लेकिन ये जाएगी इधर। सिमिलरली जो मेरी ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो तो सीधी ही निकल जाती है, तो ऑप्टिकल सेंटर वाली जो मेरी है, जो मेरी ऑप्टिकल सेंटर वाली, वो सीधी निकल जानी चाहिए, लेकिन इसको एक्सटेंड बैक करोगे तो इधर ही आएगी और ये मीट करेगी इधर मेरी, तो मेरी इमेज बन गई इधर। तो यहाँ पर आप देखो मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट था बिटवीन इन्फिनिटी एंड इन्फिनाइट से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में था, इमेज बन रही है F1 और O के बीच में, कैसी बन रही है, थोड़ी सी छोटी डिमिनिश्ड और वर्चुअल इंडायरेक्ट। सिमिलरली यहाँ पर हमने जो केस लिखा था, ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे, इमेज बन रही थी F1 पे, वर्चुअल इंडायरेक्ट थी क्योंकि रियलिटी में रेंज टकराई नहीं और हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी हो गई थी इमेज मेरी। नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं अब। जैसे हमारा मिरर फॉर्मूला के अंदर साइन कन्वेंशन पढ़े थे, मिरर मेरे लेंस फॉर्मूला के अंदर भी साइन कन्वेंशन होते हैं, जो कि वही है सेम, राइट में प्लस, लेफ्ट में माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, यानी कि लाइट की डायरेक्शन में प्लस, लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट में माइनस, हाइट की डायरेक्शन में मतलब जैसे ऑब्जेक्ट रखा है वही डायरेक्शन में प्लस और उसके अपोजिट में माइनस। तो ये मेरे साइन कन्वेंशन हो गए। तो जैसा मेरा मिरर फॉर्मूला था, मिरर फॉर्मूला की तरह मेरा एक आ जाता है लेंथ फॉर्मूला, जिसके अंदर क्या होता है कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, वहाँ पर 1/v प्लस 1/u होता था, यहाँ पर 1/v माइनस 1/u है लेंस के अंदर। तो ये ध्यान रखना माइनस किस में प्लस किस में, टर्म्स मेरी वही है, f मेरी फोकल लेंथ, v मेरा पोजीशन ऑफ इमेज और u मेरा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। जैसे वहाँ मैग्नीफिकेशन होती थी, यहाँ भी मैग्नीफिकेशन होती है, वहाँ मैग्नीफिकेशन होती थी h/h, यहाँ भी h/h होती है, लेकिन वहाँ माइनस v/u होती थी, यहाँ प्लस v/u है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला भी थोड़ा सा बदल गया है वहाँ के कंपैरिजन में, v/u हो गया और यहाँ पर भी 1/v माइनस 1/u हो गया, ठीक है। तो ये याद कर लेने दोनों, और बाकी सारा का सारा सेम जैसा वहाँ चलता था वैसा यहाँ चलने वाला है। तो समझने के लिए क्वेश्चन देखते हैं, ये मेरा NCERT का एग्जांपल है। अ कनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, एक कनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर की है, फोकल लेंथ रखी, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, कि मेरी इमेज 10 सेंटीमीटर दूर बननी चाहिए तो मैं ऑब्जेक्ट कहाँ रखूँ। तो यहाँ पर देख रहे घुमा के पूछा इन्होंने, इमेज की पोजीशन दे दी, ऑब्जेक्ट की पूछ रहे हैं, जनरली क्या होता था ऑब्जेक्ट की देते थे इमेज की पूछते थे, यहाँ उल्टा दे दिया, यानी कि मेरे को वी दे दिया है, मेरे को यू निकालना है। तो मेरा एफ है -15, तो एफ हो गया -15। अब माइनस क्यों लिया, कनकेव लेंस में माइनस फोकल लेंथ होती है, कन्वेक्स लेंस में हमारी प्लस की फोकल लेंथ होती है, कन्वेक्स है तो इस साइड फोकल लेंथ लेते हैं, कनकेव है तो लेफ्ट साइड हमारी फोकल लेंथ लेते हैं, तो -15 आ गई। अब इमेज की पोजीशन 10 सेंटीमीटर दे रखी है, अब इसको प्लस ले या माइनस, अब इन्होंने खुद ही बता रखा है कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस से मेरी इमेज लेफ्ट साइड ही बनती थी, या तो पॉइंट साइज या थोड़ी सी छोटी, तो मेरा वी माइनस ही होगा, लेफ्ट साइड बन रही है, तो वी मेरा हो गया -10, यू निकालना है, एम निकालना है, लेंस फॉर्मूला लगा दिया, 1/f होता है 1/v माइनस 1/u, एफ डाल दिया, वी डाल दिया, यू निकालना था। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे सिंपल जैसा वहाँ चलता था वैसे ही कैलकुलेट करके मेरा यू आ जाएगा -30 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में रखा है, ठीक है एकदम। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v/u नॉट -v/u, v/u की लेंस है, तो यहाँ पर क्या होगा -10/-30 इज गोस टू 1/3। तो ये मेरा आकर निकल कर मैग्नीफिकेशन का आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर ऑफ अ लेंस, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है, अब जैसे हमारे चश्मे के लेंस की पावर होती है, वैसी हमारे एक नॉर्मल लेंस की भी पावर होती है। पावर क्या होती है कि वो लाइट को कितना ज़्यादा मोड़ सकता है। एक कन्वेक्स लेंस का अगर मैं एग्जांपल लूँ, मान लो एक पतला लेंस है, तो अगर ये लाइट को थोड़ा सा बेंड कर पा रहा है, तो वहीं एक मोटा लेंस होगा तो बहुत ज़्यादा बेंड कर देगा लाइट को। कि अगर पतला वाला लेंस लाइट को मान लो ऐसे पैरेलल रहे, उसको इतना कर दिया, तो अगर एक स्ट्रॉन्ग लेंस होगा तो उसको इतना ज़्यादा बेंड कर देगा, ठीक है। तो लेंस की पावर पर डिपेंड करता है वो, और पावर किस पर डिपेंड होती है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अभी इतना सिलेबस मैंने लेकिन बताया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हुआ, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी डेंस, एकदम डेंस मटेरियल है तो वो ज़्यादा बेंड करेगा। अगर मान लो हमारा लेंस बहुत मोटा है तो वो ज़्यादा बेंड करेगा। अगर लेंस की लंबाई ज़्यादा है तो उस पर भी हमारा चेंज कर जाएगा कितनी बेंड करती है, जिसको हम अपर्चर बुलाते हैं, कैमरा वगैरह में सुना हुआ अपर्चर। तो वो यहाँ पर हमारा डिपेंड करता है कि लेंस की पावर क्या होगी। तो पावर ऑफ अ लेंस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या कहती है, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज, कि मेरी लाइट रेज कितनी ज़्यादा कन्वर्ज हो गई या कितनी ज़्यादा डाइवर्ज हो गई, उससे मैं पता कर लेता हूँ कि मेरी लेंस की पावर क्या है।
सो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव्ड बाय अ लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर। एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, लिख लो, याद कर लो कि पावर क्या होती है, कि डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, कितनी ज़्यादा कन्वर्ज करेगी या कितनी ज़्यादा डाइवर्ज करेगी। द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। सो इसका फॉर्मूला क्या है, जो मेरा पी होता है, पी जो है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है, यानी 1/f। इसका मतलब क्या है कि फोकल लेंथ जितनी छोटी होगी, फोकल लेंथ छोटी मतलब सर्कल उतना ज़्यादा कर्व्ड होगा, यानी उतना ज़्यादा मोटा लेंथ होगा, यानी उतनी ज़्यादा पावर होगी। अगर फोकल लेंथ ज़्यादा होगी तो मेरा सर्कल ऐसे पतला होगा, सर्कल बड़ा बनेगा, जब भी मेरा फोकल लेंथ आएगा तो सर्कल पतला है तो इसका लेंस भी पतला सा बनेगा, सर्कल छोटा करूँगा तो लेंस मोटा हो जाएगा, पावर बढ़ जाएगी। तो यानी फोकल लेंथ अगर मैं बढ़ाता हूँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मेरी पावर घटती है, फोकल लेंथ घटा दो तो पावर बढ़ जाती है। तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, इसकी यूनिट देखो जरा क्या निकल जाएगी, फोकल लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होगी, लेंथ है मीटर, तो मेरी पावर की ऐसा यूनिट क्या होगी, तो पावर की ऐसा यूनिट होगी मेरी मीटर इन्वर्स, या फिर 1/मीटर, मीटर की पावर माइनस 1 मीटर इन्वर्स। लेकिन इसकी जो हम यूनिट बुलाते हैं वो होती है, जिसको नापते हैं वो होती है डायोप्टर, DIOPTRE। तो जब भी हम किसी लेंस की पावर नापते हैं तो वैसे ही नापेंगे कि 0.5 डायोप्टर पावर है, 1 डायोप्टर पावर है, ठीक है। तो उन टर्म्स में हम इसको कैलकुलेट करते हैं डायोप्टर में, जिसको हम बुलाते हैं डी, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लो, डायोप्टर को हम डी से बुलाते हैं। तो ये कर लिया हमने पावर ऑफ लेंस, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब एनसीईआरटी का एग्जांपल है, अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। ठीक है, कन्वेक्स लेंस रियल एंड इन्वर्टेड बना रहा है, इमेज कहाँ बन रही है, 50 सेंटीमीटर दूर बन रही है। तो गिवन में लिख लो क्या क्या दे रखा है, तो यहाँ पर आंसर लिखते हैं, हमारा गिवन क्या है कि भाई मेरा वी जो है वो प्लस होगा, माइनस प्लस होगा, क्योंकि जब कन्वेक्स लेंस होता है तो इमेज राइट साइड में बनती है, तो वी हो गया प्लस 50। राइट साइड में सारे केसेस में बनती है जहाँ रियल इन्वर्टेड है, अगर वर्चुअल होती तो लेफ्ट में बनती है, यहाँ पर उन्होंने बोला था रियल इन्वर्टेड है तो राइट में बनेगी। तो नीडल कहाँ रखी है इस कन्वेक्स मिरर के सामने कि जो इमेज का ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो इक्वल है, तो ये तो देख के बता दोगे। इक्वल के लिए हमारे कहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब ये तो देख के बता दोगे कि नीडल को यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूँ कि इमेज जो है वो सेम साइज़ की बने, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखोगे, जब भी होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा तो वहाँ पर इक्वल साइज़ का बनेगा, इक्वल डिस्टेंस पर बनेगा, तो मेरा वी प्लस 50 है तो मेरे को पता चलेगा यू तो मेरा माइनस 50 ही होगा, बट हम इसको निकाल के आएंगे। तो और हमें क्या करना है, पावर ऑफ लेंस निकालनी है। तो अब मेरा जो मैग्नीफिकेशन है एम, वो मेरा नेगेटिव होगा क्योंकि मेरे रियल और इन्वर्टेड इमेज तो नेगेटिव बनेगा, मेरे को उतना पता चलेगा। और एम जो है वो मेरा 1 भी होगा, तो ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड इमेज है, और 1 मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि सेम साइज़ है, सेम साइज़। तो मेरे एम की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, क्या मेरा एम माइनस 1 हो गया, और एम का मैंने अभी अभी पढ़ा, ये वी बाई यू के भी इक्वल होता है, तो मेरा वी बाई यू के इक्वल होता है, तो यहाँ से मेरा वी जो है वो माइनस यू के इक्वल आ गया, और मेरा यू निकल कर आ गया कितना, माइनस 50 सेंटीमीटर जो मैंने बोला था, यानी यू जो है वो मेरे को 50 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा अपने लेंथ से लेफ्ट साइड में। अब यहाँ पर उन्होंने पावर पूछी थी, पावर मेरी क्या होती थी, पावर ज़रा लिखो, यहाँ पावर होती थी 1/f। अब f तो मेरे को पता ही नहीं है, तो यहाँ पर हम दिमाग लाएंगे कि अगर मेरे को सेम डिस्टेंस पे सेम साइज़ पे चाहिए तो मैं उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखता हूँ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है तो 50 सेंटीमीटर दूर है, यानी मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 सेंटीमीटर है, तो मेरी फोकल लेंथ कितनी होगी, 25 हो गई ना। तो यहाँ पर मेरे को पता है कि इफ़ u इक्वल टू v है, तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है, इज एट c, विच इम्प्लाइज मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 सेंटीमीटर है, विच ऑल्सो इम्प्लाइज मेरा f कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो मेरा p कितना हो जाएगा, 1/25, या फिर जिसको मैं क्या कह सकता हूँ, 0.04 डायोप्टर। तो ये मेरी निकल कर आ गई पावर। तो ये हमने पढ़ लिया पावर के बारे में, रेडियोग्राम्स देख लिए, लेंस के बारे में पढ़ लिया, कनकेव लेंस क्या होता है, कन्वेक्स लेंस क्या होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ PYQs प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ NCERT के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, और आपका ये पूरा चैप्टर डन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको सारा समझा दिया, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ईट वेल स्लीप वेल एंड